सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों रिटायरमेंट के 12 साल बाद अमेरिका का सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट F-117 नाइट हॉक उड़ान भरते देखा गया। क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? आखिरकार क्यों रिटायरमेंट के 12 साल बाद ये जहाज उड़ान भर रहा है? तो आइए जानते हैं। अमेरिकी वायुसेना का सीक्रेट लड़ाकू विमान लॉकहीड F-117 नाइट हॉक को रिटायरमेंट के 12 साल बाद फिर से उड़ान भरते देखा गया है। पिछले हफ्ते इस स्थल लड़ाकू विमान को अमेरिका के सैन डियागो में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में तैनात किया गया था। अमेरिकी वायुसेना का सीक्रेट लड़ाकू विमान लॉकहीड F-117 नाइट हॉक तकरीबन 12 साल बाद फिर से उड़ान भरते देखा गया है। पिछले हफ्ते इस स्थल लड़ाकू विमान को सैन डियागो में, जैसे हमने आपको बताया कि ये तैनात हो गया है, और इसके बाद इसे ऑपरेशनल तैयारियों के लिए लॉस वेगास में नेलिस एयरफोर्स बेस पर लाया गया है। यहाँ से ये विमान लगातार उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि क्या अमेरिका किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका सेना से जुड़ी रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट के अनुसार इस विमान से किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की तैयारी की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा संदेह जताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स इस प्लेन में कुछ बदलाव करके इसे फिर से मिशन के लिए तैनात करने की योजना पर काम कर रही है, इसीलिए इन दिनों बड़ी संख्या में ये विमान टेस्ट फ्लाइट को अंजाम दिए जा रहा है। फिलहाल किसी दूसरे देश को ये जहाज कभी नहीं दिया गया, जैसा अमेरिकी F-22 रैप्टर कभी आज तक किसी को दिया नहीं गया। जी हाँ, अमेरिका के स्थल लड़ाकू विमान F-117 नाइट हॉक को लॉकहीड मार्टिन ने सन 1981 में विकसित किया था। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स में इसकी तैनाती 2 साल बाद 1983 में की गई थी। इस दो इंजन वाले स्थल हमलावर के दो वेरिएंट YF-117AS और F-117AS के कुल 64 यूनिट को लॉकहीड ने बनाया था। बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक होने के कारण इस विमान को अमेरिका ने किसी दूसरे देश को नहीं दिया। और आइए जान लेते हैं कि इसका युद्धों पर क्या असर हुआ है आज तक, क्या ये कभी युद्ध में शामिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो 1999 में जो खाड़ी के युद्ध के दौरान F-117 ने दुश्मन देशों की सेनाओं और उनके सीक्रेट ठिकानों पर सटीक बमबारी करके तबाही मचा दी थी। 1999 में यूगोस्लाविया में हुई जंग के दौरान भी इस विमान का उपयोग किया गया था। हालांकि उस दौरान एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने इस विमान को मारकर इसे गिरा दिया था। इसके स्थल्थ होने के दावे पर भी सवाल उठ रहे थे, और 64 विमानों में से यही एक ऐसा विमान था जिसे अमेरिकी एयरफोर्स ने खोया था। फिलहाल इस समय एयरफोर्स ने इसको रिटायर कर दिया है। इस लड़ाकू विमान को 22 अप्रैल 2008 को अमेरिकी वायुसेना ने सर्विस से डिकमीशन कर दिया था। तब यह दलील दी गई थी कि इसके जगह पर F-22 रैप्टर विमानों को शामिल किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी इस विमान के कुछ फ्लीटों में या इस विमान की जो फ्लीट है उनमें से कुछ को ऑपरेशनल रखा गया था ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज़ किया जा सके, और उसके बाद से इसे बाकायदा मेंटेनेंस मिलती रही है। और एक बार फिर से जब यह हवा में देखा गया है तो इस पर चर्चा बढ़ गई है। आपको बता दें F-117 के कुछ कारनामे। दरअसल ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान इसने जो तबाही मचाई है वो कभी नहीं भूली जा सकती। इसने जिस तरह से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में इराक के रडारों को चकमा दिया था, यहाँ पर इसके बारे में कहानी ये भी कही जाती है कि एक मिशन के दौरान रात में इसने ना सिर्फ इराकी रडारों को चकमा दिया बल्कि उनको तबाह भी किया। और जिस समय यह उनके एयर स्पेस में घुसे थे और जब तक ये बाहर आए उनको भनक तक नहीं लगी, यानी कि उनको इराक के रडार देख तक नहीं सके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि F-117 कितना घातक एयरक्राफ्ट उस समय का रहा होगा, और इसे उस समय दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर्स में से गिना जाता था। तो एक बार फिर से अगर इसकी अपीयरेंस हो रही है तो इसका अर्थ है या तो अमेरिका इसके टेक्नोलॉजी का कोई टेस्ट कर रहा है, या फिर सच में इसे ऑपरेशनल करने की जो तैयारी है US एयरफोर्स की वो शुरू हो चुकी है। जो भी सच्चाई है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगी। दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो अभिनंदन वर्धमान सर को लेकर के पाकिस्तान में मचे बवाल से है। दरअसल आपको पता ही होगा कि एक पाकिस्तानी सांसद ने जो अपने संसद में बयान दिया है उसके बाद से पाकिस्तान में
जो बवाल है उनको लेकर के वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बीच इसका अभिनंदन सर की रिहाई का खुलासा करने वाले पाकिस्तानी सांसद ने ये चीज़ भी कही है कि वो और भी बहुत सारे राज जानते हैं जो कि वो खोल सकते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर की रिहाई को लेकर के बड़ा बयान देने वाले पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक का कहना है कि उन्हें कई अहम राज की जानकारी है, लेकिन उन्होंने कभी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वह अपने बयान पर कायम है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी कि अभिनंदन वर्धमान सर को हिरासत में लिए जाने के बाद क्या क्या हुआ। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि मार्च 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर की रिहाई को लेकर के भारत के सख्त रुख पर अयाज सादिक ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया था। सादिक ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में कहा था कि अभिनंदन सर की रिहाई न होने पर भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी बना चुका था। सादिक के इस खुलासे से पाकिस्तान की सियासत में नया तूफान आ सकता है। सादिक का यह बयान इमरान खान सरकार में चल रहे तनाव और विवाद की ओर संकेत करता है। सादिक ने संसद में कहा था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और जिस समय वो आए थे उनके माथे पर पसीने थे, वो घबराए थे और अभिनंदन सर को रिहा करने के लिए वो लगातार गुजारिश कर रहे थे। उस वक्त विपक्ष ने अभिनंदन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ देने का वादा किया था। सादिक ने बताया था कि विदेश मंत्री ने इस अहम बैठक में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो रात 9 बजे भारत पाकिस्तान में हमला कर देगा। और इसके अलावा सादिक ने यह भी कहा है कि उन्हें और भी कई महत्वपूर्ण राज हैं जो इस चीज़ को लेकर के पता हैं, और इसलिए अगर सादिक ने मुँह खोल दिया तो पाकिस्तान की जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। अब इसी को लेकर के उनका पूरे पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो अपनी फर्जी वीरता की कहानियां वहां पर छपवाई हुई है, जब उसकी सच्चाई सामने आई तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का तिल मिलाना लाजमी था। और इसी चक्कर में पाकिस्तान में इनका विरोध शुरू हो गया और पूरे पाकिस्तान में इस समय नरेंद्र मोदी और विंग कमांडर अभिनंदन सर के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं इनकी पार्टी के नेताओं के फ़ोटो के साथ, ताकि उनके खिलाफ जो हेट है वो वहाँ पे फैलाया जा सके। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में वही होता है जो वहाँ की सेना चाहती है। जो वहाँ की सेना नहीं चाहती है वो वहाँ पर कोई नहीं कर सकता, और जिसने भी आज तक सेना के खिलाफ जाने की कोशिश की उसका क्या हश्र हुआ वो तो इतिहास ही गवाह है। या तो वो गायब करा दिया गया या उसे मार दिया गया। तो ऐसे में जब पाकिस्तानी सेना के राज खोल सकते हैं तो देखना लाजमी है कि क्या इनके साथ भी वही होता है जो आज तक सबके साथ होता रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने गंदे चरित्र को छुपाने के लिए हज़ारों लोगों का नरसंहार करने से भी ऐतराज़ नहीं किया, फिर चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या फिर बलूचिस्तान हो या फिर कोई और जगह हो। पाकिस्तान अपने झूठ को छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और इसका अंदाज़ा पहले ही पाकिस्तानी नेताओं ने लगा दिया है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी और सेना के बीच में जो संघर्ष है वो बढ़ रहा है, और इसी सिलसिले में ये जो विवाद है इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। खैर जो कुछ भी हो, इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई है तो ये बात सिद्ध होती है कि निश्चित तौर पर भारत के खौफ से पाकिस्तान एकदम खौफ ज़्यादा था और डर के माहौल में अभिनंदन सर को छोड़ा गया था। फिलहाल आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।